अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं नवाब शाह में हूँ। आप हमारे दोस्त जो के साहब हैं वे भी नवाब शाह से हैं, उनसे पता करेंगे कि नवाब शाह की क्या खसूसियात हैं। जी के साहब, नवाब शाह क्यों आए कोई? वैसे तो सर सिंध की मेहमान नवाजी आपको पता है मशहूर है, और नवाब शाह तो दिल है सारी सिंध का। हम तो वेलकम करते हैं जो भी आता है हमारे पास। वैसे नवाब शाह की अपनी टोपोग्राफी है और इसके अपने मौसम है। सबसे ज़्यादा तो हमारी अच्छी बात यह है कि गर्मी है, यहाँ पे कोरोना नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे 51-52 तक हम जाते हैं, और लास्ट ईयर तो हम इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट आए थे गर्मी में। किसी और ना सही, गर्मी में सही फर्स्ट तो आए, ये है। और साथ में यहाँ पे आपको पता है कि नवाब शाह बहुत पुराना शहर है, और इसकी जो 1912 में ये इसको जमा था, 1912 में ये बना था। और इसका पहले बड़ा लक्षित था, सांगढ़ भी इसके साथ था, नौशहर भी साथ था, उसके बाद बाइफ करके छोटा कर दिया गया। इस पर यहाँ पे एक बड़ा मेन रूट है रेल का, इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसको शहर बनाया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छा जो चाहूँ जो दड़ो के नाम से जो पुरानी साइट है, जिस पे कोई अभी तो उस पे रिसर्च चल रही है। मैं तो ऐसे एक एस्टिमेट फिगर बता रहा हूँ कि कहते हैं कि वो पैरेलल है मोहनजोदड़ो के, उसी के ज़माने की है ये साइट है जिस पे बहुत सारे नवादरात और चीज़ें मिली हैं। ये यहाँ पे गांव है जहाँ कीरियों का एक गांव है वहाँ पे मिला है, और वहाँ पे ये खुदाई अभी चल रही है। फ्रांस के कुछ माहरीन हैं वो अभी तक उस पर खुदाई कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी आएँ देखें चलती हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई तो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, इसकी देख रहे हैं। हमें काफ़ी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं हमें। उसके साथ यहाँ पे एक मीरों का एक बना हुआ किला है जिसको दलेल कोट कहते हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा किला है। मीर साहबों ने जो जब यहाँ पे हुकूमत करते थे यहाँ पे उन्होंने बनाया था अपने लिए, वो अभी वो मलाहों को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था जो उनके साथ काम करते थे। उसके साथ कलड़ों ने यहाँ पे एक ठुल रुकन बनाया था, एक बड़ा सा स्टूपा बनाया था जहाँ दौलतपुर तालके में, वो भी बना हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस रिवर की जो स्ट्रीम जाती है यहाँ पे, ज़बरदस्त बड़ी नहर है, बड़ी इंडस रिवर जा रही है। उसके साथ वहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा, कोटदिंगाणु बड़ा खूबसूरत फॉरेस्ट है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं इको टूरिज़म पे, वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर की लाइफ क्या होती है, कितना सुकून है फॉरेस्ट के अंदर आप देखें। और यहाँ पे गर्मी है, आपको नवाब शाह शहर में हम खड़े अभी बहुत गर्मी नज़र आ रही है, पर वहाँ पे आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। तो ये फॉरेस्ट है देखने के लिए यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सारा एग्रीकल्चर का इलाका है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मशहूर है। नवाब शाह के आम मशहूर है, नवाब शाह के माल्टा मशहूर है, और यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा है महाज थाधल जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वहाँ पे वो ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो दादा साहब मशहूर हैं, तो उनसे भी मिलना चाहे तो भी आ जाए, और उसके बाद कोई और बहुत सारे छोटे छोटे लोग भी हैं हमारे जैसे लोग हैं, हमसे भी मिलने आ जाए तो आ जाए, वेलकम, चाय पिए हमारे साथ, खाना खाएँ। तो ये चीज़ें हैं हमारे। यूनिवर्सिटी मैंने रास्ते में देखी, बहुत बड़ी है, इसका क्या नाम है, एक कंपनी? सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी तीन हैं, एक जो आपने पहले देखी होगी, सबसे पहले जो आपको नज़र आ रही होगी वो होगी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, वो अभी बनी है, उसको 4-5 साल हुए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनवाई थी, और उससे पहले आपको एक नज़र आएगा कैंसर हॉस्पिटल नज़र आएगी। ये यहाँ पे दो ही है, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के हिसाब से कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पे कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स बना हुआ है, पाकिस्तान में दो ही कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स हैं, एक सिंध में है एक पंजाब में, ये कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद हमारी कायदे आम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे है, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। और पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज, वो भी यहाँ पे है। ये तीन यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, मतलब आर्ट भी है, इंजीनियरिंग भी है, और मेडिकल भी है, कैडेट कॉलेज भी है गर्ल्स के लिए, एयरपोर्ट भी हमारे पास है अपना। एयरपोर्ट में हमारे बदकिस्मत ये होती है कि यहाँ पे इतने मतलब टिकट्स नहीं मिलती थी जब फ्लाइट जहाज़ चलते थे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है सिंध का और हर तरफ से लोग यहाँ आके टिकट्स लेते थे। पर ये जिसके पास जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई, उसने ये हमारे जहाज़ बंद कर दिए, अभी नहीं, हमें कराची जाना पड़ेगा या सक्खर जाना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। तो हमारा टाइम 5-6 घंटे लगते हैं ट्रैवल में, हैदराबाद में भी कोई आपको पता है एयरपोर्ट नहीं है। तो ये अगर एयरपोर्ट बहाल होता तो फिर काफ़ी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इंशाल्लाह वो तो ये एयरपोर्ट भी हमारा यहाँ पे है। और उसके साथ कवरिंग एयरबेस है हमारे पास,
यहाँ पे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें है। यूनिवर्सिटी जैसे आप बता रहे थे कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही है माशाल्लाह। आपने बताया बहरिया टाउन की फॉरेस्ट जी जी हाँ, बहरिया टाउन यहाँ पे हमारे यहाँ तक 3 से 4 हज़ार एकड़ पे बना हुआ है, ज़बरदस्त बहरिया टाउन है। वो बिल्कुल सेपरेट एक गाजियाबाद और नवाबशाह के बिल्कुल बीच में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टाइल से बना हुआ है और काफ़ी अच्छे बड़े रोड बने हुए। तो यहाँ पे बहरिया टाउन ज़बरदस्त बना हुआ है। कराची जितना बड़ा तो नहीं है पर ये कि उसी की तकरीबन 2 कापी है, वही स्टाइल वही अंदाज सब चीज़ें वही हैं। आपने बताया कि यहाँ पे एयरफोर्स बेस भी है जी सर, कैंट भी है जी सर, यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है यहाँ पे, जो कवरिंग है कराची को या बाकी जो है। और कभी कभार तो दूसरा ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं, पर ये कि वो कवरिंग करता है कभी कभी, अगर कोई फ्लाइट्स कहीं प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे लैंडिंग करते हैं। जैसे काफ़ी दफ़ा इंडिया की फ़्लाइट्स हैं या किसी और मुल्क की फ़्लाइट्स हैं प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंडिंग करते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ये यूज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम है लोगों की वो क्या है? सर एवरेज इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे ज़रायत से ज़्यादा मुंसलिक हैं और ज़रायत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। उस इंडस्ट्री को कोई पकड़ता ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें खाद महंगी मिलती है, सब चीज़ें महंगी मिलती हैं, पानी नहीं होता, ज़मीनों को पानी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, और जिसके पास है पानी वो तो सब ले लेता है, जिसके पास नहीं है वो ट्यूबवेल चलाता है डीजल पर। और जब सब कुछ करने के बाद जब फसल आती है तो फिर रेट अचानक से वो चीज़ें गिर जाती हैं। मार्केट बड़ी इशू है यहाँ पे लोगों को, अभी लोग बजन हो रहे हैं कि अब एक इधर क्या करें, अब मजबूरी है, खानदानी पेशा है, छोड़ तो नहीं सकते, ज़मीनें बेच तो नहीं सकते, पर ये कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है गरीबों का, बना के ये सबको खिलाती है और वो अपने बेचारे उनके अपने नहीं चलती। एग्रीकल्चर में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। और यहाँ पे ज़मीन के प्राइसेस क्या? यहाँ पे ज़मीनें 3-4 किस्म की हैं। एक तो जिस तरफ आप जाएंगे तो थर की तरफ वहाँ पे 3 लाख 2 लाख 4 लाख में मिल जाएगी आपको। अगर अच्छी ज़मीन है नहर इंडस की तरफ जाएँ तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक भी जाती है। यहाँ पे केले की ज़मीनें हैं वो 40 लाख 30 लाख एकड़ पर जाती हैं, वो जो नॉर्मल ज़मीन है वो 20 से 25 लाख एकड़ पर है। और 2 लाख वाली पे कैसे है ना? नहीं वो वहाँ पे रहते और काफ़ी सारी सेम भी होती है कहीं की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। के बाद आप नवाबशाह से हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से हैं, आप मैसेज कीजिएगा, आप सुन रहे हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको नवाबशाह, आप अपनी तरफ से पाकिस्तान? देखें हम ये चाहते हैं कि नवाबशाह पार्ट ऑफ कंट्री, मुल्क का हिस्सा है और इसको मुल्क के साथ मिलाएं और आप सब लोग आएं और ये चीज़ें जहाँ पे जो चीज़ें नवाबशाह में कम है या जिसकी कमी है तो उसको बेहतर करने के लिए सब लोग मिल के हाथ बढ़ाएं और ख़ासकर ज़रात के सेक्टर में आप सपोर्ट करें आबादगारों को ताकि ये चीज़ें बेहतर हों। और क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं किसी न किसी तरह से, अगर हम कोई चीज़ दूसरे शहर से ले रहे हैं तो हम दे भी रहे हैं कोई चीज़, तो अच्छा है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करें और ये चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अच्छा आपने बताया कि यहाँ माल्टा अच्छा निकलता है, मैंगो अच्छा निकलता है, तो मैंगो की प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पे आम का पापड़, आम का जूस, आम का सीरप, आम के मुरब्बे, मैंगो का जूस, कंसंट्रेटेड ऑरेंजेस, ये सब यहाँ पे नहीं बनता? नहीं बनती, ये चीज़ें कम है। फैक्ट्रीज यहाँ पे बराए नाम फैक्ट्री तो इस कमरे में भी लग सकती है, ये ऐसा कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे, इसकी आएगा वही कह रहा हूँ, ये ज़रूरत है इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा। कैसे मंगवाएं सर ये लोकल लोग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ये लोगों को आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें चाहिए हमें, खासकर फीमेल्स और मेल्स काफ़ी नौजवान इतने होते हैं कि आपको पता ही नहीं, अंदाजा नहीं होता, हम खुद परेशान होते हैं इनके लिए क्या करें, ये इनको चाहिए चीज़ें। तो अब आज आपने मुझे ऊपर एक जगह दिखाई जहाँ पर आप एक वीडियो स्टूडियो बना रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है आपसे कि आप उस स्टूडियो के अंदर जो भी मैंने बातें की थी वो बता देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने स्टूडियो के अंदर लोगों को पहले तो स्टूडियो बनाएं, उसके बाद वहाँ पे आप वाटर इरिगेशन, हवा से पानी निकालना, पानी से रिलेटेड जितने भी मसाइल आपको यूट्यूब पे उर्दू में मिल, इंग्लिश में मिल रहे हैं उनको पढ़ें और दोबारा सिंधी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में आप पढ़ा दें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग रहते हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, तो आप पाकिस्तान के पानी की ईदी बन जाएं। अच्छा। जिसको भी प्रॉब्लम है पानी से रिलेटेड वो किसको कांटेक्ट करे? मुझे कांटेक्ट करे। हाँ तो वो अमीन पानी वाले को कांटेक्ट करे और अमीन पानी वाला जो है वो उसके प्रॉब्लम को सर्च करेगा, समझेगा और आपको ट्यूटोरियल बना के दे देगा, बेटा ये लो जाओ दवाई खा लो और फ्री है। उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पानी के जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो समंदर से पानी सही करना हो,
चाहे वो गटर से पानी सही करना हो, चाहे वो सेम के पानी का मसला हो, और आपको शौक भी है मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि कुछ हो, रिफॉर्म चाहते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर के अंदर भी सिमिलरली, मिसाल के तौर पे अगर लोगों को मुरब्बे बनाने नहीं आते, आम के अचार बनाने नहीं आते, आम का सिरका मैं अभी जर्मनी से ख़रीद के लाया हूँ, 5,000 रुपये किलो, 5,000 रुपये किलो अगर सिरका मुझे वहाँ मिलता है तो यहाँ तो 100 रुपये किलो आम है, उसे आपने एक किलो सिरका भी निकल आता है, तो 100 रुपये के 5,000 रुपये तो अफीम में भी नहीं मिलते, हीरोइन में भी नहीं मिलते, तो आप आम से बना सकते हैं। इसी तरह से जो इंडिया बांग्लादेश में आम से पापड़ बनाया जाता है, तो आम का पापड़ आम की कैंडी की तरह होता है, उन्होंने कैंडी की तरह से स्ट्रिप्स बनाए, आप खोलें और टॉफ़ी की तरह खा लें, इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो ख़राब ही नहीं होता, 2 साल तक भी ख़राब नहीं होता, आम आपका रेट गिरा हुआ है तो आपने उसका बना दिया। तीसरा ड्राइड आम होता है, यानी कि आम को आप ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद उसको आप थैली में पैक कर देते हैं जैसे चिप्स पैक करते हैं, और उसके बाद आप फिर वो ख़राब नहीं होता 2 साल तक, उसके अंदर नमकीन फ्लेवर, मिर्ची वाला फ़्लेवर, तो आप अगर जाके सिर्फ गूगल पे लिख दें या अमेज़ोन पे लिख दें कि ड्राइड मैंगो, तो आपको तमाम उसकी चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, पैकिंग कैसी होती है, हर चीज़ आ जाएगी। तो हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर मैंने देखा है। इसी तरह केले हैं, अब केले की फसल जो है, हम लोग जब केला हो जाता है, आपके पास भी यहाँ केला है, तो केला जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके तने को जला देते हैं। केले के तने से प्लेटें बनती हैं, केले के तने से कपड़े बनते हैं, केले के तने से धागा बनता है, केले के तने से आप ग्लास बना सकते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल आप जला रहे हैं उससे आप प्लेटें, और वो प्लेट 10 सेंट की एक प्लेट बिकती है, 18 रुपये की 16 रुपये की एक प्लेट बिकती है। क्यों? इसलिए कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, उसके अंदर स्टायरोफोम नहीं होता, वो आप ज़मीन में दफनाएं तो केला दफना दिया आपने तो क्या निकलेगा, वो तो केला ही निकलेगा, तो मतलब वो ज़मीन खा जाएगी उसको, अब ये नियम करते। फिर इसी तरीके से केले की जो ट्रंक है उससे कागज़ बन जाता है, वो भी हम जला रहे हैं, और ये सब चीज़ें आप इतने बड़े कमरे में फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये नहीं है कि अच्छा केले से कपड़ा बनाने की और प्लेट बनाने की जो मशीन है सिर्फ 1,00,000 रुपये की आती है, 1,00,000 रुपये की मशीन लगा के आप उसी केले से ट्रंक बना सकते हैं। इसी तरीके से केले को तल के चिप्स बनाए जाते हैं, और उसके चिप्स जो हैं वो भी कभी ख़राब नहीं होते, यानी आपने आपका केला तो एक हफ्ते में ख़राब हो जाएगा, लेकिन केले के जो चिप्स हैं, जिस तरह पोटैटो चिप्स हैं, इस तरह आपने केले के चिप्स बनाए, चिप्स बनाने की मशीन 35,000 रुपये की आती है, अब आपने उसको बनाई, पैकिंग की मशीन 1,25,000 रुपये की आती है, जो कि या आप हाथ वाली पैकिंग की मशीन लगा लें, 8,000 रुपये की आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप ऊपर से बैठ के अपने स्टूडियो से सीख सकते हैं और आगे सिखा सकते हैं, और इस इलाके को और सिंध की किस्मत को आप बदल सकते हैं। तो हम इस पे काम अपने तौर पे भी कर रहे हैं, लोग तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, जैसे हम आपके इंटरव्यूज़ करा रहे हैं, इसी तरह अब हम कर ये रहे हैं कि हम 50 बच्चे तैयार कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं एक्चुअली प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ हैं, उसके बाद जब ये 500 इंटरव्यू ले लेंगे तो इनको इंटरव्यू करना आ जाएगा, उसके बाद हम इनको एक एक सब्जेक्ट दे देंगे, इनका काम सिर्फ ये होगा रोज़ाना 3 मुर्गे पकड़ो और इसी सब्जेक्ट पर रोज़ाना बात करो। तो अब अगर एक आदमी 500 लोगों से पानी के ऊपर बात कर लेगा आधा आधा घंटा, तो वो आदमी क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा, पानी का एक्सपर्ट बन जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम बहुत सारे शोबों में एक्सपर्ट्स बना दें, एक पानी का एक्सपर्ट बना दें, एक एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दें, एक मैंगो का एक्सपर्ट बना दें, एक बनाना का एक्सपर्ट बना दें, एक प्लेटो का एक्सपर्ट बना दें, तो क्या होगा कि जिसके पास भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फ़ोन करें और हेल्प फ्री में ले लें। हम हेल्प कैसे देते हैं, वीडियो से देते हैं, तो एक वीडियो बनती है वो लाखों लोग देख सकते हैं। तो हम बेसिकली ये जो काम है हम एक्चुअली कर ही रहे हैं, तो समझ नहीं आता लोगों को करके क्या करना चाह रहे हैं, तो लेकिन नॉलेज इज़ पावर, वो नॉलेज हमारे पास लोगों के पास नहीं है, और नॉलेज हमें एक्सट्रैक्ट करना नहीं आती, नॉलेज निकालना नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले लोगों से नॉलेज निकलवा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ करें तो उनको भी वो भी ज़रा से रिफ्रेश हो रहे हैं, एंड सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद फिर हम उस नॉलेज को इंटरनेट पर अवेलेबल कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट वेबसाइट्स बना के यूट्यूब के ऊपर और डाल के ये कॉन्टेंट अवेलेबल कर रहे हैं, जाके लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। दैट्स वट वी ट्राइंग टू डू। बाकी पानी के लिए मैं समझता हूँ आप आज ज़मीन पानी वाले बन जाए तो अच्छा, सही, शुक्रिया।